नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। गुड मॉर्निंग भारत में हम बात करते हैं आखिर देश दुनिया में क्या हो रहा है, आखिर खबरों का रुख क्या है, क्योंकि अगर आप खबरों से जागरूक रहेंगे तभी एक सही फैसला ले पाएंगे। और बात करें अगर देश के लीडिंग न्यूज़पेपर क्या कुछ कहते हैं, शुरुआत करते हैं नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स के अगर फ्रंट पेज की बात करें तो उसमें जो तीन मुख्य खबर जो देखने को मिलती है, शाहीनबाग। जी हाँ, शाहीनबाग में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस बार शाहीनबाग में जो प्रदर्शन है उनके बीच जाकर जो जिम्मा यहां पर वार्ताकारों को सौंपा गया है उनसे बातचीत करके एक हल निकालने का, पहले दिन वो हल यहां पर निकलता नजर नहीं आया। इसी के साथ यहां पर अरविंद केजरीवाल, जी हां, दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कल उन्होंने की है, उसका जिक्र भी यहां है। साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण की किस तरह से तैयारियां चल रही है उसका जिक्र भी नवभारत टाइम्स में मिलता है। इसी के साथ अगर नवोदय की बात करें तो नवोदय ने भी अमित शाह, केजरीवाल और अमित शाह की जो कल मुलाकात हुई है उस मुलाकात का जिक्र किया है। जामिया हिंसा, जिस तरह से बैक टू बैक तीन वीडियो जारी हुई हैं, उसके बाद 10 छात्रों को चिन्हित भी इस पूरे मामले पर कर लिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं, उसे लेकर क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उसका जिक्र भी मिलेगा। बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया हो या नवभारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, एक खबर का जिक्र यहां पर मिलता है, वो है शाहीन बाग। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बीते दिनों सुनवाई हुई इस पूरे मामले पर, ये कहा गया कि प्रदर्शन करना अधिकार है लेकिन आप किसी सड़क को, किसी सार्वजनिक जगह को जाम नहीं कर सकते। ऐसे में उन प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर एक मिडल वे, यहां पर बीच का रास्ता निकालने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद आपको बता दें कि वार्ताकार के रूप में सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन करीब 2 घंटे तक शाहीन बाग में रहे। वार्ताकारों ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की बात सुनने और समझने के लिए वो आए हैं, वो सभी के साथ मिलकर समस्या का समाधान खोजना चाहते हैं ताकि लंबे समय से बंद रोड को खोल सके और जो लोगों की परेशानी है वो दूर हो सके। लेकिन इस वार्ता का आपको बता दें कि पहले दिन तो कोई हल यहां पर नहीं निकला है, क्योंकि आंदोलनकारियों ने साफ लहजे में यहां पर कहा है कि यहां पर अगर शाहीन बाग में जो आप प्रदर्शन हो रहा है नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में, अगर उसे यहां से हटा दिया जाता है, अगर वो खत्म करते हैं तो उसका असर देश के जो बाकी हिस्सों में भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से कहा गया था कि अब देश के विभिन्न राज्यों में मिनी शाहीन बाग खुल चुके हैं, तो उन प्रदर्शन पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या कुछ कहा है आंदोलनकारियों ने, आंदोलनकारियों ने वार्ताकारों से कहा कि मामला सिर्फ एक शाहीन बाग का नहीं, देश में कई जगह ऐसे शाहीन बाग बने हैं, ऐसे में उनके हटने से दूसरी जगह हो रहे आंदोलन भी प्रभावित होंगे। इसी के साथ उनका यह भी कहना था कि बारिश और कड़कड़ाती सर्दी में आंदोलन के बावजूद कोई उनकी बात सुनने नहीं आया, ऐसे में क्या गारंटी है कि सड़क से हटने के बाद उनकी बात सुनी जाएगी। लोगों ने कहा कि जब बात संविधान और लोकतंत्र को बचाने की हो तो सड़क पर आना ही पड़ेगा। यानी कि पहले दिन जो बीच का एक रास्ता था, मध्यस्थता जो कराने वार्ताकार वहां पर आए थे, वो हल होता यहाँ पर नजर नहीं आया, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं, उन्हें यकीन नहीं है कि क्या उनकी बात आगे सुनी जाएगी। अगर वो आंदोलन खत्म कर देते हैं तो क्या आगे सरकार उनकी बात को सुनेगी। तो यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त दोनों वार्ताकारों ने बुधवार को शाहीनबाग पहुंचकर धरना दे रहे आंदोलनकारियों से बातचीत की। हालांकि जो पहले दौर की बातचीत रही उसका कोई भी नतीजा निकलता नजर नहीं आया। आज दूसरा दिन है, शायद आज एक बार फिर बातचीत करने की यहां पर कोशिश की जाएगी। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आंदोलनकारियों में कुछ असर, वार्ताकार से बातचीत करने के बाद आंदोलनकारियों का अब स्टैंड, अब रुख इस पूरे मामले पर क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से शाहीनबाग की तर्ज पर देश के विभिन्न राज्यों में मिनी शाहीनबाग खुले हैं, क्या वाकई में अगर दिल्ली के शाहीनबाग में प्रदर्शन बंद होता है तो क्या उन पर भी असर पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर वार्ताकार द्वारा ये मध्यस्थता या बीच का रास्ता नहीं निकल पाता तो ऐसे में अब आगे सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होगी तो उसमें आगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। दूसरी खबर का जिक्र जो है नवोदय में भी मिलता है। नवोदय में भी साफ तौर पर लिखा है कि बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश की गई लेकिन जो मध्यस्थता यहाँ पर निकलती नजर नहीं आई है। इसी के बाद अगर बात करें कि आगे क्या कुछ है खबरों में, तो अरविंद केजरीवाल, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और केंद्र और आप सरकार में शुरुआत से ही एक नाराजगी हमेशा से ही देखने को मिली है। लगातार यहाँ पर जो आप है वो केंद्र पर
इल्जाम लगाती है कि उनके हाथ यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा बांधे जा रहे हैं। बहुत से काम वो करना चाहते हैं विकास के, लेकिन उन्हें यहाँ केंद्र सरकार से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो आपको उनकी वो बात तो याद ही होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मिलकर काम करना चाहते हैं, केंद्र और बीजेपी सरकार के साथ वो मिलकर दिल्ली के विकास में काम करना चाहते हैं। तो एक सकारात्मक पहल यहाँ पर की थी और उसी सकारात्मक पहल का दूसरा पहलू भी हमें देखने को मिला जब अरविंद केजरीवाल ने बीते बुधवार को यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। 20 मिनट ये मुलाकात रही अमित शाह के आपको बता दें कि आवास पर यह मुलाकात हुई है और विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की गई है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें जिसे लेकर जो टकराव है केंद्र और आप सरकार में देखने को मिलती कि जब शाहीनबाग का मुद्दा आया था लगातार बीजेपी यह आरोप लगा रही थी कि आप द्वारा शाहीनबाग के मुद्दे को भड़काया जा रहा है, हवा दी जा रही है या अरविंद केजरीवाल सरकार कुछ कर नहीं रही। ऐसे में यहां पर अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया था जिसमें साफ उन्होंने पूछा था कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर केंद्र सरकार के अंडर आता है, ऐसे में दिल्ली को कानून व्यवस्था को बनाने का जिम्मा केंद्र पर है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं। कल भी यहाँ पर बात हुई लेकिन शाहीन बाग पर चर्चा कल नहीं हुई है। दिल्ली में पुलिस और कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शाहीन बाग पर चर्चा नहीं हुई है। ये पूछने पर कि क्या शाहीन बाग पर चर्चा हुई तो केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। तो किन किन मुद्दों पर बात हुई है उसी पर नवोदय ने लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और महिला सुरक्षा सहित दिल्ली के कई मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल ने बातचीत की है। मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार उन्होंने अपना कामकाज संभालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये जो पहली मुलाकात हुई है 20 मिनट की ये बैठक हुई है तो एक सकारात्मक, फिलहाल दोनों ही सरकार बेहद सकारात्मक नजर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। बस देखना ये होगा कि साथ में चलकर काम करने का फैसला तो यहाँ पर आपने भी ले लिया है, बीजेपी भी सकारात्मक नजर आ रही है, लेकिन क्या वाकई में दिल्ली में केंद्र और आप मिलकर काम करेंगे या आने वाले दिनों में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल यहाँ केंद्र पर आरोप लगाते नजर आएंगे और केंद्र यहाँ आप पर जिम्मेदारी ना निभाने का आरोप लगाएगा, ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ 10 गारंटी, जी हाँ 10 गारंटी कार्ड तो आपको याद ही होंगे, अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की थी। अब इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने इसे लागू करने को लेकर एक हफ्ते का एक्शन प्लान भी मांगा है कैबिनेट से। तो अब 10 गारंटी कार्ड दिल्ली में कैसे लागू होगा, कब से लागू होगा, ये बहुत जल्द ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी क्योंकि ये 10 गारंटी कार्ड अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव जिताने में इन 10 गारंटी कार्ड ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि अगर कहा जाए यहाँ बीजेपी के शब्दों में तो यहाँ फ्री कार्ड ने काम किया है। अब ऐसे में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार को भी देखना होगा जिस फ्री कार्ड के जरिए, जिस गारंटी कार्ड के जरिए वो दिल्ली की सत्ता में वापस आई है, उस गारंटी कार्ड का लाभ यहां पर दिल्ली की आवाम को जरूर मिले। इसी के साथ यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे भारत दौरे पर आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर भारत के साथ व्यापार को लेकर क्या कुछ कहा है। लेकिन फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। फॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एविस्टार न्यूज़ पर। अटक से लेकर कटक तक, कटक से लेकर कन्याकुमारी तक, नहीं छूटेगी एक भी खबर, वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की। खेल के मैदान से सियासत के दंगल तक, हर स्टेट से आपको कराएंगे रूबरू स्टेट 29 में। स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। एबी स्टार न्यूज हर वक्त आपके साथ। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम।
रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात? मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक? हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक, अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस नो यस सॉरी नो यस यस नो, यू जस्ट ओनली हैव टू प्लेस राइट पर्सन एट राइट प्लेस एंड यस यस यस। पिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली, सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call. GST reform से लेकर cashless economy तक, stock market के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, business से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एबी स्टार न्यूज़ पर। अटक से लेकर कटक तक, कटक से लेकर कन्याकुमारी तक, नहीं छूटेगी एक भी खबर, वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की। खेल के मैदान से सियासत के दंगल तक, हर स्टेट से आपको कराएंगे रूबरू स्टेट 29 में। स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। एबी स्टार न्यूज हर वक्त आपके साथ। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात? मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक? हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक, अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने जिक्र किया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। जी हां, भारत के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने भारत को लेकर बहुत बड़ी बात की है। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर आपको न्यूज मिलेगी जिसमें साफ तौर पर लिखा है, अगर हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो सेविंग अ बिग डील विद इंडिया फॉर लेटर, ये ट्रंप के वर्ड है। जी हां, व्यापार में एक बहुत बड़ी डील यहां भारत के साथ हो सकती है, इसका जो एक तरह से कहे तो इशारा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कर दिया है। वी आर डूइंग अ वेरी बिग ट्रेड डील विद इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये या तो इलेक्शन से पहले भी हो सकता है या फिर इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो एक डील है, व्यापार की एक डील है, वो जल्द ही आने वाले समय में यूएस और भारत के बीच होगी। इसका इशारा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। तो वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इससे पहले जब मोदी अमेरिका गए थे, हाउडी मोदी, आप सबको याद ही होगा, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के वेलकम, उनके स्वागत को भी भव्य करने की तैयारियां हैं। आपको बता दें कि 7 मिलियन लोग एयरपोर्ट से लेकर जो मोटेरा स्टेडियम है उसके बीच में 7 मिलियन लोग जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए रहेंगे। और इसका भी जिक्र यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि उन्होंने सुना है कि एयरपोर्ट से लेकर इवेंट तक, स्टेडियम तक जो है 7 मिलियन लोग रहेंगे उनके स्वागत के लिए। और ये जो स्टेडियम है, भले ही अभी ये सेमी कंस्ट्रक्टर, अभी आधा इसका निर्माण हुआ है, पूरा काम अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक्साइटमेंट भी दिखाई है। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर डिटेल में एक एक दिन किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब लैंड करेंगे भारत में, स्टेडियम कब जाएंगे, उसके बाद उनका आगे क्या कुछ दौरा रहेगा, उसका ब्यौरा यहां पर काफी सही तरीके से दिया गया है। 24 फरवरी, जी हाँ, 24 फरवरी को जो है 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में लैंड करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे वो नमस्ते ट्रंप इवेंट जो मोटेरा स्टेडियम में होने वाला है उसे एड्रेस करेंगे, वहां लोगों से बातचीत करेंगे। इसी के साथ 3:30 बजे अहमदाबाद से आगरा के लिए रवाना होंगे और वहां पर ताजमहल को विजिट करेंगे। इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली भी वो आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि 8:00 बजे तक वो आगरा से दिल्ली पहुंच जाएंगे। और अगर बात करें 25 फेब को क्या कुछ होगा, 25 फरवरी को क्या कुछ उनका कामकाज रहने वाला है, तो एक आपको बता दें कि एक वेलकम है जो राष्ट्रपति भवन में उनके लिए रखा गया है। इसी के साथ वो राजघाट भी जाएंगे जहां महात्मा गांधी की समाधि पर वो जाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसी के साथ एक यहाँ पर मोदी और ट्रंप के बीच एक बैठक भी होगी जिसमें दोनों द्विपक्षीय बातचीत यहाँ पर दोनों देशों के बीच होगी। इसी के साथ यूएस प्रेसिडेंट टू मीट बिजनेस लीडर एट द यूएस एम्बेसी, यूएस एम्बेसी जाएंगे जहाँ पर जितने भी बिजनेस कारोबारी है, लीडर्स है, उनसे एक मुलाकात भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद से भी एक मुलाकात करेंगे, स्टेट बैंक्वेट भी वो जाएंगे और 10:00 बजे वो यूएस के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिवसीय ये उनका दौरा होने वाला है। 24 फरवरी को सीधा अहमदाबाद में 12 बजे लैंड करेंगे, 12:30 बजे स्टेडियम में जाएंगे, मोटेरा स्टेडियम जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होने वाला है। हालांकि इसका जो निर्माण कार्य है वो अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन जो स्वागत है डोनाल्ड ट्रंप का वो बेहद ही भव्य तरीके से किया जाएगा जिससे लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। 7 मिलियन लोग इस बार स्वागत के लिए यहां पर रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के, जिसे लेकर एक एक्साइटमेंट भी पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई है। तो 24 फरवरी का इंतजार है और जिस एक बड़ी डील का यहां पर जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, वो डील क्या रहने वाली है, भारत को उससे कितना फायदा होगा, ये तो खैर उस डील के सामने आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इतना तय है, जिस तरह से इशारों ही इशारों में यहां पर एक बड़ी डील का जिक्र यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, ऐसे में भारत और यूएस के जो रिश्ते हैं वो आने वाले दिनों में और भी मजबूत हो सकते हैं। इसी के बाद अगर बात करें आज की आखिरी खबर की, तो राम मंदिर, जी हाँ, भव्य राम मंदिर बनाने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। 3 साल में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा। दैनिक जागरण की खबर है, 3 साल में बनेगा भव्य राम मंदिर और विहिप के मॉडल पर ट्रस्ट की मोहर भी लग चुकी है। अगले महीने यानी कि मार्च में अयोध्या में इसका जो शिलान्यास का जो मुहूर्त है वो तय हो जाएगा, यानी कि राम मंदिर का जो शिलान्यास का मुहूर्त है वो अगले महीने
महीने तय होगा, जिसके बाद भव्य राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है अयोध्या में वो शुरू हो जाएगा और 3 साल में भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। तो ट्रस्ट के 14 सदस्य बैठक एक बैठक हुई है जिसमें 14 सदस्य जो ट्रस्ट के हैं वो मौजूद रहे। अगर बात करें वो 14 सदस्य कौन कौन है, तो दैनिक जागरण ने लिखा है वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन, महंत नृत्य गोपाल दास जो इसके अध्यक्ष हैं, वासुदेवानंद सरस्वती, युग पुरुष परमानंद, विश्व प्रसन्न तीर्थ, गोविंद देव गिरी कोषाध्यक्ष, महंत धीरेन्द्र दास और भी कई लोग हैं जो इस ट्रस्ट में शामिल है। और जो विहिप का जो मॉडल है राम मंदिर को लेकर, उसे ट्रस्ट में मोहर भी लग गई है और जल्द ही शिलान्यास अगले महीने जो होगा शिलान्यास का मुहूर्त निकलेगा और फिर भव्य राम मंदिर बनाने की जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी, नींव पड़ जाएगी और 3 साल में भारत को अयोध्या में उसका भव्य राम मंदिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो पहली बैठक हुई उसमें तमाम फैसले जो है लिए गए हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष बने महंत नृत्य गोपाल दास और चंपत राय जो है उसके महासचिव बनाए गए हैं। अयोध्या में इस साल अप्रैल में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा और अगले 3 सालों में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, ये कहना है गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष है ये श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। तो बस अब इंतजार है भव्य राम मंदिर का, अगले महीने मार्च में मुहूर्त निकलेगा, अप्रैल में शिलान्यास हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल से काम भी शुरू हो जाएगा भव्य राम मंदिर बनने का और आने वाले 3 साल में वो इंतजार, एक लंबा इंतजार यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अयोध्या में उसका पहला भव्य राम मंदिर यहाँ पर जो श्रद्धालु है उन्हें मिल जाएगा, जिसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। ट्रस्ट में ट्रस्ट की बैठक हुई है, 14 सदस्य ये ट्रस्ट है जिसमें कई फैसले महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। साथ ही जो विहिप ने एक मॉडल पेश किया था राम मंदिर को लेकर, उस मॉडल पर भी ट्रस्ट ने अपनी मुहर लगा दी है, यानी कि अब बस इंतजार है भव्य राम मंदिर बनने का और 3 साल यहां पर इंतजार करना होगा भव्य राम मंदिर का। जल्द ही यहां अप्रैल से काम जो है राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा और इसी के साथ 3 साल के इंतजार के बाद एक भव्य राम मंदिर यहां अयोध्या में मिलेगा। इसी के साथ आज गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही, कल फिर लौटूंगी, फिर बताऊंगी आखिर खबरों का रुख क्या कुछ है, आखिर देश के लीडिंग न्यूज़पेपर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अगर आप खबरों से जागरूक रहेंगे तभी एक सही फैसला ले पाएंगे और एक सही फैसला ही आपको खुशहाल जिंदगी दे पाएगा। इसके साथ आज गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही, नमस्कार।